माई ऑल द डेस्परेट नीट एस्पिरेंट्स, टुडे इज 18 जुलाई यानी कि सेकेंड हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट अबाउट नीट स्कैम 2024। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। हियरिंग जो है बिफोर लंच कुछ डिस्कशन था और आफ्टर लंच भी कुछ डिस्कशन था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज की हियरिंग के सारे एलिगेशन, जस्टिफिकेशन और डिस्कशन और जो भी कंक्लूजन है वो मैं बताऊंगी। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डिस्कशंस जो कि लंच से पहले हुए हैं एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द डिस्कशंस जो लंच के बाद हुए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नो रीट के पिटिशनर्स थे और जो रीट के फेवर में पिटिशनर्स थे, अराउंड 254 पिटिशनर्स जो थे उनका ये कहना है कि रीट नहीं होना चाहिए दोबारा, लेकिन 131 पिटिशनर्स ऐसे थे जिनका ये कहना है कि नीट जो है वो दोबारा से कंडक्ट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो IIT मद्रास की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का ये कहना है कि जो IIT मद्रास के डायरेक्टर है वो NTA की गवर्निंग बॉडी के मेंबर है, तो ऑब्वियसली वो NTA के फेवर में जो है डिसीजन लेंगे या जो भी जस्टिफिकेशन होगा वो NTA के फेवर में देंगे। इसके बाद अगर आपको ध्यान है तो जो बच्चों के लिए एक विंडो ओपन हुई थी करेक्शन की, उस करेक्शन में अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो करेक्शन किए थे। तो जो 15,000 बच्चे थे उन्होंने करेक्शंस किए थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है NTA से कि वो जो 15,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्शन किए हैं उनमें से कितने बच्चों ने अपने सिटी सेंटर्स चेंज किए हैं। इसी के साथ लास्ट हियरिंग में जैसा कि कहा गया था कि 1,08,000 स्टूडेंट्स जो है उनका एनालिसिस किया है, जो टॉप 1,08,000 स्टूडेंट्स है उनका 2023 और 2024 के रिजल्ट्स में एनालिसिस किया गया था, तो वो जो बच्चे हैं 1,08,000 उन बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शंस किया था जब विंडो ओपन हुई थी करेक्शन की, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिटी सेंटर्स अपने चेंज किए थे। और इसी के साथ साथ अगर आपको पता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी रीओपनिंग हुई थी, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया था, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए वापस से साइट ओपन की गई तब उन्होंने फ्रेशली अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। ये जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगी है। ये सारा जो डिस्कशन था ये तो था लंच से पहले के डिस्कशन में ये सारी बातें हुई। हाँ तो बच्चों, अब अगर हम बात करें कि लंच के बाद आज की हियरिंग में क्या डिस्कशन हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहूंगी जो रीओपनिंग हुई थी साइट की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो जो 1,08,000 बच्चे हैं टॉप जिनका एनालिसिस किया था उनमें से 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यूली रजिस्टर्ड है, जिन्होंने नया नया रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दो जगहों की बात हो रही है, एक तो हजारीबाग झारखंड की और दूसरा गोदारा की। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी गोदारा में क्या हुआ था। गोदारा के एक स्कूल में जो बच्चों का सेंटर था वहां पे जो टीचर ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने बच्चों से ये कहा कि अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी OMR शीट जो है उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स अवेलेबल करवाएंगे और वो आपकी शीट जो है वो फिल करेंगे। हालांकि इस मैटर में ये कहना है कि जो टीचर्स इन्वॉल्व थे इस सब में उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया गया था। अब अगर हम बात करें हजारीबाग झारखंड की तो वहां पे क्या हुआ था दोस्तों, NTA का ये कहना है कि जो 5 मई को पेपर कंडक्ट होने वाला था उसके लिए 24 अप्रैल को सारे ही सिटी सेंटर्स जो ऑल ओवर इंडिया में 571 सेंटर्स हैं उन सभी सिटीज में पेपर पहुंचाने के लिए निकल चुके थे। 3 मई तक ऑलमोस्ट सारी सिटीज में पेपर्स पहुंच चुके थे और उन सिटीज में पेपर्स जाने के बाद कैनरा बैंक और SBI बैंक के लॉकर्स में वो पेपर्स लॉक करवा दिए गए थे। लेकिन अगर बात करें हजारीबाग की तो वहां पे ये कहना है NTA का कि वहां से जो है पेपर्स उन बैंक्स के लॉकर्स में नहीं गए और ई रिक्शा के थ्रू कहीं पहुंचाए गए, तो यही जो है वो पेपर लीक होने के चांसेस बता रहा है। इसके अलावा सारे ही सेंटर्स में 5 मई जो है पेपर्स पहुंच गए थे उन बैंक से सेंटर्स तक। इस सब के अलावा अगर हम बात करें उन 1563 स्टूडेंट्स की जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और बाद में उन बच्चों को ये ऑप्शन दिया था कि या तो आप री एग्जाम जो हो रहा है 23 जून को उसमें बैठ जाइए या फिर आप ऐसा करें कि अपने ग्रेस मार्क्स जो है वो रिड्यूस करवा दें, तो अराउंड 811 स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दोबारा से दिया था, बाकी बच्चों ने अपने ग्रेस मार्क्स डिडक्ट करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आपने ग्रेस मार्क्स तो बच्चों को दे दिए लेकिन किस बेसिस पे दिए, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हमें उसका जस्टिफिकेशन दीजिए।
आपने उन 1563 बच्चों को ऑप्शन दिया वापस से आप नीट दे दो, और इस बात को आपने दबा दिया कि आपने किस बेसिस पे मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए। तो अब जैसा कि हमें पता है 67 स्टूडेंट्स ने ऑप्टेन किए थे 720 मार्क्स आउट ऑफ 720, उसमें से 6 जो बच्चे थे वो ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, और जैसे ही उनके ग्रेस मार्क्स डिडक्ट किए गए तो हमारे पास बचे हैं 61 स्टूडेंट्स जिन्हें 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं। अब उन 61 में से भी 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं उस फिजिक्स वाले एक क्वेश्चन की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब जो ओवरऑल कंक्लूजन है इस सब वो ये है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं प्रॉपर एविडेंस एनटीए से, उसके बाद जो पटना पेपर लीक है उसका रिपोर्ट मांगा है, और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एनटीए से मांगा है कि हमें चाहिए सिटी वाइज और सेंटर वाइज बच्चों का रिजल्ट, तो वो आप जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहे सारी अपडेट्स के लिए, और सबसे मेन जो बात है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेट दी है हियरिंग की, जो है 22nd of July, जिसका हम सभी को वेट है, और हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशंस नहीं छोड़े, हो सकता है रीनीट हो या नहीं हो, या फिर सीधे नीट 2025 हो, जो कुछ भी डिसीजन होगा हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल SMS International Education।